So causes of individual differences that we will discuss today, and uh, difference in values. First of all, we will discuss in uh, uh, in in just describing the differences in uh, individuals. Uh, value system that we always get from our houses and our parents. We are they, they are responsible for making our uh, moral characters or moral. They are responsible for bringing us. Uh, Good to, with in, into good characters. So, parents, you know, uh, they if they are not uh, expert in uh, making your characters positive, then children always feel depression and they feel stress. So, the problem is here then, uh, if parents they are they have their own issues and they are quarreling with each other, but they are not focusing on the children's personality. एंड दे थिंक दैट द वि द पैसेज ऑफ टाइम चिल्ड्रन विल लर्न आटोमेटिकली सो चिल्ड्रन विल 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 नॉट लर्न ऑटोमेटिकली हम ऑब्ज़र्व करें अगर एक पौधा जिसको एक uh, माली जो है उसको कांट छाँट के जो है वह तराश के एक खूबसूरत शक्ल देता है और एक ऐसी जड़ी बूटी जो कि खुद ही uh, बढ़ गई और खुद ही पैदा हो गई उसको हम खुद रो झाड़ी कहते हैं आप कभी ऑब्ज़र्व करें खुद रो वो झाड़ी और वह पौधा जिसको एक गार्डनर ने बड़ा उसको तराश खराश के उसको बड़ा किया होता है दोनों की पेरेंट्स में कितना फ़र्क है सेम वे यहाँ पे वैल्यू सिस्टम जिस बच्चे को आपने प्रॉपर कैरेक्टर बिल्डिंग की होगी वो एक मॉडस्ट चाइल्ड होगा सोसाइटी उसको साथ मिलना पसंद करेगी सोसाइटी उसको जो है उसके साथ दोस्ती बनाना पसंद करेगी उसके साथ रिलेशन बनाना पसंद करेगी तो वैल्यू सिस्टम का जो डिफरेंस है ये इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डिफरेंट करता है उसके बाद स्टडी हैबिट्स हैं ये नहीं कहना चाहिए कि एक भाई बहुत अच्छा पढ़ता है जी चार चार घंटे वो पढ़ता है छः छः घंटे पढ़ता है ये बच्चा तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है दिस इज़ नॉर्मल अगर एक बच्चा जो है वो बहुत पढ़ने वाला है दूसरा पढ़ने वाला कम है हो सकता है वो इंटेलिजेंट ज़्यादा हो वो एक घंटा पढ़ने में के बाद जो है वो वाले रिज़ल्ट दे रहा हो जो कि अगला बच्चा चार घंटे पढ़ रहा है तो बेसिकली आपको अपने घर का इन्वामेंट जो है वो इस तरह से डिवेलप करना है क्योंकि अब बच्चे मुख्तु क्लासेज में होते हैं आजकल का जो दौर है आजकल का टेक्नोलॉजी का दौर है और बच्चे अपना टाइम ज़्यादातर जो है वो मोबाइल्स पे इसलिए स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि आप उनको फिज़िकल आउटलेट जो है वो प्रोवाइड ही नहीं कर रहे अभी जैसे देखिए आप समर वेकेशंस हैं और बच्चे चाह रहे हैं कि कोई उनको एक्टिविटी मिले तो मैं तो ये समझती हूँ कि आपने अगर मोबाइल से आई आईसाइट बच्चों की बचानी है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पेरेंट्स को अपने बच्चों को शाम को ले कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा और जितना ज़्यादा आप फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी पर्सनैलिटी जो है वो उनकी इम्प्रूव होगी स्टडी हैबिट्स तभी बनेंगी जब पहले वाला ट्रैश जो उनके माइंड में जमा हुआ है उसको आप बाहर निकालेंगे तो तब बच्चे दोबारा से रिफ्रेश होके जो है वो पढ़ने की तरफ आते हैं अगर आप ये समझेंगे खाने के बाद वो पढ़ना शुरू कर दें और फिर उसके बाद जो है दोबारा खाएं और फिर बैठ जाएं पढ़ने के लिए तो ऐसा नहीं होगा जब तक उनकी एक्स्ट्रा एनर्जी को आप यूटिलाइज़ नहीं करेंगे किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी से बच्चे कभी भी रिफ़्रेश होकर अच्छा पढ़ने की तरफ नहीं आते दैट इज़ अ टिप फॉर यू यू मे फॉलो इट डिफरेंस इन साइकोमोटर स्किल्स दस अब एक स्किल सीखनी है चाहे वो लिखने की स्किल हो या आ, किसी काम करने की कोई स्किल है उसमें भी पर्सनैलिटीज़ में डिफरेंस होता है अब ये भी एक नॉर्मल चीज़ है हम हर एक बच्चे को तो नहीं मोटिवेट कर सकते कि वो एक चीज़ जो है एक ही स्पीड के साथ आ, दो बच्चे जो हैं वो सीखें जी इसने तो बड़ी जल्दी सीख लिया लेकिन ये बच्चा बड़ा टाइम लगा रहा है तो चूँकि उसकी आ, इन इट भी डिफरेंट हो सकती है उसकी इंटेलिजेंस भी डिफरेंट हो सकती है जिसकी वजह से वो एक डिफरेंट एटीट्यूड जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है तो दिस इज़ नॉर्मल पेरेंट्स शुड नॉट कंडेम द चाइल्ड फॉर नॉट डूइंग एनी थिंग बट दे शुड गिव द अपॉर्चुनिटी टू द चाइल्ड टू जस्ट यू नो गेट एनी स्किल अकॉर्डिंग टू हिज ऑन एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस उसके बाद डिफरेंस इन सेल्फ कॉन्सेप्ट है सेल्फ कॉन्सेप्ट कि वो अपने आप को किस तरह से एवेलुएट करता है कि आई कैन विन दिस गेम आई कैन नॉट विन दिस गेम एंड हाउ ही और शी इज़ मोटिवेटेड

Uh, एक और मजे की आपको बात बताऊँ कि बच्चे आपके बनाए हुए टाइम टेबल पर ज़रूरी नहीं है वो उसी पर चलें स्ट्रिक्ट टाइम टेबल तो बच्चे बच्चों को आपने एक फ्रेंड के तौर पे उनके मूड को जो है स्टडी हैबिट्स के साथ जो है वो अटैच करना है दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सो डोंट फोर्स योर चाइल्ड टू ईट इफ़ ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन ईटिंग उस टाइम पे और माँ जो है वो कहती नहीं चूँकि यही है इसलिए आप सबने यही खाना है तो प्लीज़ बच्चों को कुछ अपनी चॉइसेस शेयर करने दिया करें ताकि उनके अंदर जो एग्रेशन और उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो इस तरीके से बाहर निकले कि वो उन्हें पता चले कि वी आर वैल्यूएबल तो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो वैल्यूएबल होने का भी ये पता चलाता है कि आप अपने आप को आप अपनी फैमिली में वैल्यूएबल हैं इसलिए आपकी चॉइस को आपकी ओपिनियन को सारे लोग जो हैं वो कंसिडर कर रहे हैं तो दीज डिफ्रेंसिस कैन बी सीन in the personalities of uh, children due to these reasons so we can control these uh, environmental reasons if they are impacting negatively but we can promote if they are impacting positively